हे हेलो गाइस, हम बैठे हुए हैं हसाम के हॉस्टल में। सॉरी, लेटे हुए हैं। ईशन ने मेरे ऊपर टांग रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार इस टाइम आप कमरे की हालत देख सकते हैं। ये कमरा देखने से ही छड़ों का हॉस्टल लग रहा है। ये है ही छड़ों का हॉस्टल। यहाँ पे हमारे साथ सारे मौजूद हैं। अभी हमने जरा ताश वगैरह सारा कुछ कर कर रखे, तो है कौन सी जगह बाहर निकल के पता नहीं लग्जरियस सोसाइटी के अंदर से एक ब्रीक सी गली जा रही है, जो कि कुत्तों से और मच्छरों से भरी हुई थी। पूरे 4 किलोमीटर हम उस सड़क पे भगाते ही आए हैं। इसका मैसेज आया था कि भाई रोकना ना, हमारी उधर ही हट गई थी कि बस रोकनी नहीं है भाई, बस निकलो बस यहाँ से। ये भाई का किचन है जहाँ भाई पता नहीं क्या क्या पकाते हैं। ये खिड़की है जहाँ से मैं अभी शायद नजर आ रहा हूँ तरीके से। और ये जी यहाँ से इनके हॉस्टल से बाहर का व्यू बिल्कुल सुनसान है। 12 रबी अव्वल है, तो हर जगह बस लाइट्स लगी हुई हैं, इसलिए ये लाइट्स नज़र फोकस नहीं हो गई। और पीछे जो है वो चांद नज़र आ रहा है आज का। सामने भी मज़ार है कोई, तो बस हम निकलते हैं अभी। ये यार बाइक्स खड़ी हुई थी वीराने में आसपास, बिल्कुल हम भी वीराने में। यार रिक्शे को मार रहा है यार। ये फ्लैश में नज़र आ रही है अभी बाइक्स वगैरह तीनों निकलेंगी यहाँ से। अभी बस सुबह होने वाली है, चांद जो है बस नीचे जा रहा है और सूरज ऊपर आने वाला है। बिल्कुल हल्की हल्की नीली सी रोशनी नजर आ रही है हम सबको। असाम भाई ने हमें कहा था कि 70-30 है रोड की कंडीशन, लेकिन रोड जो है वो 90-10 लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं हजमीराला की तरफ। 90% खराब लग रही है और 10% ठीक लग रही है। अभी हम जा रहे हैं हजमीराला की तरफ।